गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूज़ पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। तो आज हम लोग बजट जो पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट बजट को आज हम कवर करेंगे। उसका सेकंड पार्ट है ये, जो कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या होता है आपका बजट एक्सपेंडिचर, जान लेते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो आज हम जानेंगे कि आपका बजट एक्सपेंडिचर क्या है, उसके अंतर्गत हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे। द बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो बजट एक्सपेंडिचर, यानी बजट जो होता है, जो खर्च किया जाता है, वो एक तरीके का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, आपको घर चलाना है और आपको पता है कि आपके घर में एक महीने में 5 या 6 हज़ार खर्च होने वाला है, तो आप साल के हिसाब से भी उसको जोड़ सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो एक खाका तैयार करती है कि हमारा कितना खर्च होने वाला है एक साल के अंतर्गत। तो जो वो एक साल के अंतर्गत का जो एस्टिमेट वो लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल ईयर में वो एस्टिमेशन लगाती है कि क्या खर्च होने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, द बजट एक्सपेंडिचर कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड। अब जो आपका बजट एक्सपेंडिचर है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या है, बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक तरीके का एस्टिमेट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कहीं कि बजट एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर है, तो आप बताएंगे ये क्या होता है, आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का। और ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और कब ख़त्म होता है आपका, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो ये आपका जो होता है फिजिकल ईयर होता है। तो बजट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो ऐसा खर्च, ऐसा व्यय जिससे जो है कि आपके गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं, ना ही वो एसेट क्या हो, क्रिएट हो, यानी ना ही वो एसेट जहाँ तक बढ़े, और ना ही आपका जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब उधार है जो आपके पास बोरोइंग है गवर्नमेंट के ऊपर, वो क्या हो, उससे कम हो, तो वो क्या आपका होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ऐसे चीज़ों पे खर्च किया जाता है जिससे कि आपका ना ही आपका एसेट बनता है, ना ही आपकी कोई प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की बन पाती है, ना ही उनकी जो बोरोइंग्स है वो कम हो पाती हैं। तो वो इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हो, तो आप सैलरी से क्या होता है, गवर्नमेंट जब सैलरी किसी को देती है तो उससे उसका कोई एसेट भी नहीं क्रिएट होता, और ना ही वो क्या होती है, लाइबल हो पाती है, ना ही अपनी लाइबिलिटी को कम्प्लीट कर पाती है, फुलफ़िल कर पाती है। तो ये एक तरीके का आपका एक्सपेंडिचर होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया पेमेंट, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत आपका क्या क्या चीज़ आ जाता है, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा अगर वो, अगर ये दो इंसेंशियल कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, तो आपका वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैसे, द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी वो पहली चीज़ है कि वो इंसेंशियल चीज़ है कि वो क्या करे, एसेट को ना क्रिएट करे, नॉट क्रिएट एन एसेट। एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन लाइबिलिटी। यानी आपका जो लाइबल है, गवर्नमेंट जो है वो क्या है, लाइबल होती है कुछ चीज़ों की, जैसे बोरिंग करती है, अपना खर्च करने के लिए व्यय करती है, तो वो क्या होता है, उसमें भी कोई डिक्रीमेंट ना हो आए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप हैं, आपके पास पैसा है, आपने जितना आपका इनकम हुआ उसको आप व्यय करते हो, तो व्यय उन चीज़ों पे करो जिससे आपका क्या हो, आपका कोई प्रॉफिट ना हो, ना ही आपका कोई एसेट बने, जैसे ज़मीन ना बने, जायदाद ना बने, ऐसा कोई चीज़ ना बने, सिर्फ आप लगातार वो खर्च ऐसा कर दे रहा है उससे कोई आपका फ्यूचर में कुछ बन नहीं रहा है, जैसे आपका हो गया घर का खर्च, है ना। और दूसरी चीज़ अगर मान लो आप के पास पैसा है, आपके पास आपको 20,000 रुपये मिला है महीने का घर चलाने के लिए, तो आपने कुछ उधारी लिया हुआ है, जो पिछले मतलब बार का कुछ उधारी लिया हुआ है किसी से, वो कर्ज भी आप इस पैसे से ना चुका पाओ, तो वो क्या हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। यानी आप उससे कोई एसेट ना क्रिएट कर पाओ और ना ही आप अपने लाइबिलिटी को फुलफिल कर पाओ,
तो वो क्या हो जाता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन एसेट, ये क्या करता है एसेट को क्रिएट करता है, और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी आपका जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट अपने एसेट्स को क्या करती है क्रिएट करती है, ठीक है। एसेट क्या होता है क्रिएशन होता है, और आपका जो लायबिलिटी उसमें क्या होता है रिडक्शन होता है, यानी आपका जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया है उधार लिया है वो भी क्या होगा कम होता है, और ये क्या होता है नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है नॉन रिकरिंग इन नेचर। इन इट एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी थ्रू द एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कैपिटल स्टॉक में क्या होगा आपके इकोनॉमी में वो क्या आएगा इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। जो कैपिटल है जैसे मशीनरी हो गया आपका बिल्डिंग हो गया है ना, ये सब चीज़ों में क्या आएगा लगातार बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और जिससे बाद में लॉन्ग टर्म में वो क्या करे गवर्नमेंट क्या करे डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करा सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जब गवर्नमेंट क्या करती है लोन देती है किसको स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज को, ये एग्जांपल हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो जो आपका इंसेंशियल कंडीशन आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो क्या है, जैसे वो एक्सपेंडिचर जिससे आपका क्या हो एसेट क्रिएट हो, है ना, एसेट क्रिएट हो। जैसे कि आपका पैसा है आपने 20,000 रुपये अर्न किया, तो आप उसको क्या करो कोई ना कोई ऐसे वस्तु में उसका इन्वेस्टमेंट कर दो कि जिससे आपको क्या हो वो एसेट बन जाए, है ना। आपके पास 20,000 रुपये हैं, आपने उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पर क्या मिला आपको, क्या मिला आपको जैसे कोई प्रॉपर्टी बन गई, है ना, जैसे कि ज़मीन हो गया आपके पास, बिल्डिंग हो गई, है ना, आपके पास मशीनरी हो गई, तो वो क्या हो जाएगा एसेट में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप अपना खर्च ऐसे जगह पे करो जहाँ पे लायबिलिटी आपकी कम हो जाए, मतलब आपने पिछली जो बोरिंग्स की है उधार लिया है किसी से वो भी आप कर्ज चुकाने में काम कर सको। जैसे आपने मान लो कि 10,000 की क्या की आपने एसेट को परचेज कर लिया, है ना, 10,000 का आपने क्या किया 5,000 अपना क्या बोलते हैं कि कर चुकाने के लिए दे दिया, 5,000 पिछला उधार किसी से लिया उसको कर चुकाने के लिए दे दिया, और 5,000 आपने अपने मतलब खुद के एक्सपेंडिचर पे किया, तो ये क्या हो गया इसमें क्या हो गया आपका एक तरीके का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होगा, ठीक है। तो जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसमें क्या हो रहा था सिर्फ जो है जो गवर्नमेंट था वो क्या कर रहा था लगातार सिर्फ खर्च कर रहा था, ना ही उससे एसेट उसका बन रहा था ना ही वो लायबिलिटी को अपने कम कर पा रहा था, ठीक है। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बजट देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है आपके UPPGT के। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट, जो 3 तरीके का बजट होता है। तो पहला आपका क्या है बैलेंस बजट, द गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी बैलेंस बजट इफ इट्स एस्टिमेट गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी आपका जो रिवेन्यू जो वो किसके बराबर होता है खर्च के बराबर होता है, यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं मान लो उसके पास 200 करोड़ है तो वो सिर्फ 200 करोड़ को क्या करेगी खर्च करेगी, तो क्या होगा वो क्या होगा बैलेंस बजट के अंतर्गत आएगा, यानी इसमें कोई बोरोइंग्स नहीं होगी, इसमें कोई मतलब लायबिलिटी नहीं होगी या फिर अपने एसेट्स को बेचेगी नहीं, तो वो बजट कैसा हो जाता है आपका गवर्नमेंट बजट जो बैलेंस हो जाता है, यानी इसमें क्या होगा आपका गवर्नमेंट का रिसिप्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के खर्च के बराबर होगा। सरप्लस बजट क्या होता है जब गवर्नमेंट का जो खर्च होता है, देखो इसमें दिया हुआ है इफ़ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो गवर्नमेंट का इनकम है उससे उसका खर्च से ज़्यादा है। जैसे मान लो कि मेरे पास गवर्नमेंट के पास 200 करोड़ रुपए है और उसका खर्च सिर्फ कितना है 180 करोड़ रुपए है, तो वो क्या है आपका सरप्लस बजट, यानी उसके पास कहीं ना कहीं आपका 20 करोड़ जो है अभी भी बचा हुआ है, तो वो क्या है अभी सरप्लस में है, सरप्लस यानी ज़्यादा। जैसे आपके पास आपकी इनकम 20,000 है तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो 18,000 खर्च कर रहे हो, तो आपका क्या हुआ बच गया ना 2,000, तो आप क्या हो सरप्लस में हो, आपका बजट जो काम कर गया वो सरप्लस वाले में काम कर गया। डेफिसिट में क्या होता है जब गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है तो उसका जो खर्च होता है वो ज़्यादा होता है, उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, उसका रिसिप्ट जो होता है वो कम होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट का इनकम जो है वो 200 करोड़ है और उसका खर्च हो गया 300 करोड़, तो वो क्या होगा खर्च यानी एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया ज़्यादा हो गया, है ना, किससे आपके रिसिप्ट से। तो ये वाला केस जो होता है वो क्या होता है डेफिसिट का केस होता है, यानी आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च ज़्यादा होगा और आपकी जो आय होगी वो कम होगी। तो ये होते हैं अनबैलेंस बजट भी बोला जाता है कभी कभी डेफिसिट बजट को,
ठीक है, तो अनबैलेंस बजट में भी यही चीज़ होती है, आपका कोई ना कोई चीज़ एक ज़्यादा होगा, चाहे आपका रिसिप्ट ज़्यादा हो। तो जो अनबैलेंस बजट है उसमें दो चीज़ें आती हैं, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, दोनों आ जाता है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ बजट। अब मेज़र्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कैसे मेज़र करती है वो जान लेते हैं। द बजटरी डेफिसिट इज़ डिफाइंड एज अ एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड ओवर अ एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो जब बजटरी डेफिसिट होता है तो उसमें क्या होता है, खर्च आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है आपके रेवेन्यू के कंपेरेटिवली। यानी रेवेन्यू जो क्या होता है, गवर्नमेंट का इनकम होता है, वो क्या होता है, हमेशा कम होता है, और अपना खर्च क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स कलेक्शन, है ना, जितना उसने कलेक्ट किया है इनकम, उससे कहीं ज़्यादा वो क्या करने लगती है, खर्च करने लगती है, स्पेंड करने लगती है, तो वो क्या होता है, डेफिसिट का टाइम आ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट। जैसे मैंने बोला कि 200 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट के पास है, पर उसे 300 करोड़ का खर्च करना है, तो वो क्या है, डेफिसिट में है, यानी कमी में है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बजटरी डेफिसिट कैन बी थ्री टाइप्स, तीन तरीके की डेफिसिट होती है आपकी। पहला आपका है रिवेन्यू डेफिसिट, है ना, रिवेन्यू डेफिसिट। दूसरा आपका फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, थर्ड आपका टाइप है इसमें गवर्नमेंट के डेफिसिट में। तो जो आपका रिवेन्यू डेफिसिट होता है, जान लेते हैं क्या होता है। रिवेन्यू डेफिसिट इज़ अ कंसर्न विद द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, यानी गवर्नमेंट के पास उसका रिवेन्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने बोला ना अभी कि आपका जो खर्च होगा यानी व्यय होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है किसके ऊपर, रिवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर। ठीक है, तो रिवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस क्या कर देते हैं, हम रिसिप्ट को। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर जितना खर्च हमारा व्यय और जितना मेरी इनकम है उसी हिसाब से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाता है, आपका रिवेन्यू डेफिसिट। तो एक्सपेंडिचर मान लो 300 है और हमने इनकम हमारी 200 है, तो हम माइनस कर दिए तो 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ में क्या है, गवर्नमेंट क्या है, आपके डेफिसिट में है। इट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट ओन रिवेन्यू इज इनसफिशियंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन फॉर द वेरियस सर्विसेज। यानी ये एक ऐसा केस है जिसमें गवर्नमेंट क्या इनसफिशियंट है, ठीक है, अपने खर्चों को नहीं फुलफिल कर पा रही है, ठीक है, अपने खर्चों को फुलफिल नहीं कर पा रही है अपने इनकम से, तो वो क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट होता है। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट प्रेजेंट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑन अ बजटरी इम्बैलेंस। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं ना, वास्ट व्यू है आपके बजटरी इम्बैलेंस पे। द फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग अ गिवन फिजिकल ईयर। यानी जो आपका फिजिकल डेफिसिट होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है आपका बजटरी इनबैलेंस के ऊपर, यानी बजट में जो इनबैलेंस आ रहा है उसमें फिजिकल जो डेफिसिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होगा किसके ऊपर, रिसिप्ट के ऊपर, पर इसमें से क्या एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है आपकी बोरोइंग्स, है ना, आपने जो बोरो किया, उधार लिया अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, वो आपका इसमें से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो देख लीजिए क्या हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है, एक्सक्लूड क्या कर देते हैं हम इसमें से, बोरोइंग कर देते हैं। यानी जब फिजिकल डेफिसिट की बात होती है तो हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, आपकी बोरोइंग, यानी जो हमने उधार लिया है वो हम इसमें से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अ लुक आउट फॉर डिफरेंट ऑप्शंस टू फाइनेंस एंड फिजिकल डेफिसिट। अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए बाहर जो है गवर्नमेंट देखती है कि किस सोर्स से हम क्या कर सके, बोरोइंग कर सके। ठीक है, अब कौन से सोर्स से बोरोइंग कर सकती है, बोरोइंग क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट कैन बी मेड बाय बोरोइंग फ्रॉम अ इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स से कैसे लेगी, जैसे अपने क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगी और वहाँ से पैसे उठा लेगी, या फिर आपका क्या बोलते हैं कि जब एक्सटर्नल से लेती है तो किससे लेती है, आपकी WTO और इससे क्या बोलते हैं IMF वर्ल्ड बैंक से उधारी लेती है ना,
वर्ल्ड बैंक और आपका हो गया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इन सब से क्या लेने लगती है गवर्नमेंट, उधारी लेने लगती है। तो ये सब बोरोइंग्स होते हैं किसके अंतर्गत, फिजिकल डेफिसिट के अंतर्गत। द फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, द गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई से भी कर सकती है अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी को बेच के टू मीट द फिजिकल डेफिसिट। आरबीआई इशूज अ न्यू करेंसी टू दिस पर्पस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बोरो करती है किससे, आरबीआई से अपने सिक्योरिटी के अगेंस्ट, यानी उसके पास जो सिक्योरिटी होती है उसको किसको सेल कर देती है, आरबीआई को। तो आरबीआई उसको क्या देती है, पैसे देती है, न्यू करेंसीज दे देती है। तो अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट जो है उसका वो क्या करती है, उसको फुलफिल कर लेती है गवर्नमेंट। तो वो होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। यानी फिजिकल डेफिसिट में से हम क्या माइनस कर देंगे, आपका इंटरेस्ट जो हमने पे किया है, जो हमने बोरोइंग यानी उधार लिया था जिस पे हमने इंटरेस्ट पे किया, हम फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है, वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट। यानी फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था आपका, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला हमारा था आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और आपका एक्सक्लूड क्या कर दिया जाता था उसमें से बोरोइंग, पर अब इसमें से क्या माइनस कर दिया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है माइनस कर दिया जाता है। तो हमारा वो क्या आ जाता है, आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। इट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। अब इसमें से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट पेमेंट माइनस हुआ है एंड डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट शो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट आर ऑन अ बोरोइंग मेड इन अ पास्ट। अब इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका इसमें से आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है माइनस कर दिया जाता है तो आपका क्या होता है, वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है, और जबकि आपका फिजिकल डेफिसिट में वो चीज़ होती है, पेमेंट की जाती है। कौन सी चीज़, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, लो और ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स आर फोर्स्ड गवर्नमेंट टू बोरो, है ना। अब ये क्या करेगी, आपको फोर्स करेगी गवर्नमेंट को बोरोइंग के लिए। तो प्राइमरी डेफिसिट का आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।